Redmi A2, तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी Redmi A2 का कैमरा टेस्ट। यू नो अब इस स्मार्टफोन को जो बाय करना चाहते हो और अब जो देखना चाहते हो कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसे है, तो रुक जाओ, ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली कैमरा टेस्ट के लिए ही बनाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चले देखते हैं। दोस्तों हमारे पास Redmi A2, तो गाइस यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का, प्लस यहाँ पे आपको एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस लुक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल जो बहुत ही छोटा दिया हुआ है, यानी कि आजकल क्रेज है ना बड़े बड़े कैमरा, ऐसा नहीं है, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस बात करते इसी फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको एक नॉच डिस्प्ले के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लगा हुआ है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो गाइस जैसे इस फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको 4x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 4x जूम करके बड़े आराम से फोटोज वगैरह जो क्लिक कर पाओगे। और भी दोस्तों कुछ बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि Redmi A2 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Redmi A2 के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम 1080p 30fps तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यू नो डिसेंट सा कैमरा है, यानी कि इस फोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो वीडियो स्टेबिलाइजेशन एंड वीडियो क्वालिटी सब कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको इसका सेल्फी कैमरा में वीडियो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी Redmi A2 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो नो डाउट यार जिस प्राइस ब्रैकेट में ये स्मार्टफोन आता है ना उस हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही सही है। लेकिन हाँ वीडियोग्राफी इतनी भी अच्छी नहीं आती सेल्फी कैमरे से, अदरवाइज ब्राइट फोटोज वगैरह आते हैं, पोर्ट्रेट भी सही से काम करता है और आपने देखा ही होगा। तो प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। अगर आप भी इस स्मार्टफोन को जो बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, 5,300 रुपया सिर्फ इस फोन की प्राइस है और डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से देखा जाए गाइस तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वैसे इसके ढेर सारे वीडियोस आने वाले दूसरे फ़ोन के साथ में कंपेयर करने वाला हूँ महंगे स्मार्टफोन से, तो उसके लिए भी ज़रूर रुकेगा। और आप इस स्मार्टफोन को जो बाय करना चाहो तो कर सकते हो, पेरेंट्स को देना है या व्हाटएवर, तो आप इस स्मार्टफोन को जो बाय कर सकते हो, इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी है। तो एपी के इसके आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।